बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कल हमने मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्किल्स पढ़ा था कि कंप्यूटर स्किल्स क्या चीज़ है, मतलब कंप्यूटर का एब्रीवेशन क्या है हमारे पास जो कंप्यूटर टर्म है। अभी आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये आज का टॉपिक है। लेकिन कल भी हमने मतलब काफी डिटेल से बात की कि हमारे पास कंप्यूटर क्या चीज है, तो वो हमने मतलब काफी डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं कि हिस्ट्री का कंप्यूटर मतलब हमारे पास कंप्यूटर किस तरह डेवलप हुआ, ठीक है, और मतलब इसका जो मेन रीजन होता है मतलब डेवलपमेंट का वो क्या है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हिस्ट्री, तो हर चीज का हमारे पास एक हिस्ट्री होता है कि फर्ज कर लिया यहाँ पे हमारे पास ये मार्कर है तो मार्कर का भी एक हिस्ट्री होता है। जिस तरह मतलब इस व्हाइट बोर्ड से पहले हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड था तो इसके ऊपर हमने मतलब चाप के ऊपर हमने लिखा इसके ऊपर करते थे। आजकल हमारे पास एक एडवांस्ड, ये हमारे पास एक एडवांस टेक्निक है कि हमने मतलब मार्कर के थ्रू यहाँ पे हमने मतलब कुछ लिखना है। तो इसी तरह हर चीज का एक हिस्ट्री होता है, तो जिस इस तरह हमारे पास कंप्यूटर का भी एक हिस्ट्री होता है। और वो हिस्ट्री क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और ये हमारे पास है कंप्यूटर, और कंप्यूटर मींस कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन मींस कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मींस मैथमेटिक्स। तो इस इन लफ्जों से हमारे पास ये वादे होता जा रहा है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है हमने बेसिकली मैथमेटिक्स पर्पस के लिए हमने इसको क्या करना है, सेट करना है। और इसका हिस्ट्री भी है कि सबसे पहले हमारे पास जो कंप्यूटर आया था इसका फाउंडिंग मेंबर जो हमारे पास है वो है चार्ल्स बैबेज, फाउंडर हमारे पास है चार्ल्स बैबेज। इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन करना कि इसके थ्रू हमने वही मैथमेटिक्स के फॉर्मूले या रिसर्च का जो मेन मतलब जो टेक्निक्स होता है वो हमने क्या करना है, कंप्यूटर के थ्रू हमने सॉल्व करना है। तो इसी को साल्व करने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है, इसको हम कहते हैं मतलब कंप्यूटर। और ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर होता है। जब भी मशीन की बात आती है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास हार्डवेयर है। तो इस हार्डवेयर का जो मेन मकसद होता है वो हमारे पास था कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किसके साथ, किस चीज के साथ रिलेटेड, वो हमारे पास मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड है। तो उन्होंने भी ये सोचा कि हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि इसके थ्रू हमने वही मैथमेटिक्स वगैरह ये चीज हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने ये सोचा कि हमने मतलब हमारे पास ऐसे मैथमेटिक्स के फार्मूले होते हैं या फिजिक्स के ऐसे फार्मूले होते हैं कि हमने मतलब वो फर्स्ट कर लिया हमारे पास एक फार्मूला है कि ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए, ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है। लेकिन अगर हमने इसके थ्रू मतलब कोई आपने सॉल्व करना है तो अगर आपने कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत इजी है। अगर आपने मेमोरी करना है, मेमोरी का ये मतलब है कि अगर आपने विदाउट मशीन है, विदाउट हार्डवेयर, विदाउट कंप्यूटर आपने सॉल्व किया तो इसके ऊपर काफी टाइम लगता है और इसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों चांसेस ज्यादा है कि अगर यहाँ पे आपने एक भी गलत वैल्यू पुट कर दिया या आपने साइन गलत लगाया तो फिर इसका पूरा आंसर गलत आता है। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि इसके थ्रू हम ये सारा कुछ सॉल्व कर सके। फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू इसमें पुट करना है कि फर्स्ट के लिए बी इज इक्वल टू थ्री, ए इज इक्वल टू फोर और सी हमारे पास है वन के बराबर है। तो हमने इधर ये पुट करना है माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू है थ्री तो थ्री का स्क्वायर ले रहे माइनस फोर और ए की वैल्यू हमारे पास है फोर और इधर भी हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास है वन डिवाइड बाय टू ए, टू हमारे पास फोर की वैल्यू है, ए की वैल्यू है फोर। तो इन चीजों को अगर आपने सॉल्व करें तो माइनस थ्री आप लीजिएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस फोर फोर सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन वन वही आता है और टू फोर एट आता है हमारे पास। तो आपने फिर ये सॉल्व किया तो इसके हमारे पास एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है।
तो इसी को हम कम करने के लिए उन्होंने सोचा कि हमने एक ऐसा मशीन डिजाइन करना है कि इसके थ्रू हम ये सारा कुछ कर सके, और हमारे पास इसके मतलब टाइम इसके ऊपर टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास क्या होता है मैनुअल मैनुअली आपने क्या करना है, आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। लेकिन इधर हमारे पास जो मशीन होते हैं आपने सिर्फ वैल्यू देना है, बाकी आपने सारा कुछ मतलब डायरेक्ट हमारे पास साफ होता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन हमारे पास एक चीज इधर ये भी मेंशन हमने करना है सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास एक होता है ह्यूमन थिंकिंग या ह्यूमन हमारे पास है, उधर हमारे पास क्या होता है कंप्यूटर है। तो इधर हमारे पास ह्यूमन का जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, थिंकिंग हमारे पास क्या है कि सोच है, तो कंप्यूटर का थिंकिंग हमारे पास बिल्कुल लो है। लेकिन इधर हमने क्या करना है थिंकिंग, तो थिंकिंग हमारे पास ह्यूमन फास्ट है और इसमें हमारे पास ये स्लो है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर का थिंकिंग नहीं, क्योंकि आपने कंप्यूटर को सब कुछ समझाना है। तो इसी वजह से हमने इधर मेंशन करना है कि थिंकिंग हमारे पास क्या होता है ह्यूमन का फास्ट होता है और कंप्यूटर का हमारे पास थिंकिंग स्लो होता है। दूसरा हमारे पास होता है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग इसका स्लो है और इसका फास्ट है। क्यों फास्ट है कि इधर भी हमने मेंशन किया कि आपने ये सारा चीज क्या करना है साफ करना है, इसको हम क्या कहते हैं प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन वही प्रोसेसिंग आपने मैन्युअली करना है, और जब आप मैन्युअली करके तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है, तो इसी वजह से हमने इधर मेंशन किया कि इसका प्रोसेसिंग क्या है हमारे पास स्लो है। लेकिन इधर अगर हमने कैलकुलेटर के थ्रू करना है या कंप्यूटर के थ्रू करना है तो फिर हमारे पास फास्ट है, क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यू दे रहे और बाकी जो आंसर आते हैं वो मतलब ऑटोमेटिक आते हैं। तो ऑटोमेटिक का क्या मतलब है कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग कौन करता है, कंप्यूटर करता है। तो इसी वजह से हमने इधर मेंशन किया कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट है और ह्यूमन का जो प्रोसेसिंग है वो हमारे पास स्लो है। लेकिन आपने वही थिंकिंग जो ह्यूमन थिंकिंग आपने कंप्यूटर को क्या करना है, आपने ट्रांसफर करना है, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन कंप्यूटर। ह्यूमन कंप्यूटर से ये मुराद है कि अगर आपने अपनी आपका जो सोच होता है आपका जो थिंकिंग होता है आपने वही क्या करना है आपने कंप्यूटर में अडॉप्ट करना है, आपने कंप्यूटर में सेट करना है। तो इसी वजह से ये हमारे पास इसका एक जो हिस्ट्री होता है कि अगर हमने हमारे पास जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर के बिहाइंड भी हमारे पास कुछ वजह होता है कि हमने कंप्यूटर को क्यों डेवलप किया। तो इसका ये मेन रीजन होता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है ये हमारे पास कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स या रिसर्च पर्पज के लिए हमने क्या करना है कंप्यूटर को डेवलप करना है, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू हमने क्या करना है वही टाइम हमने बचत करना है, और बचत होने का क्या मतलब है कि हमने प्रोसेसिंग को जल्द करना है। आजकल हमारे पास जितनी भी एडवांस चीजें होते हैं या हमने मतलब मेडिकल की तरफ आ दे, क्योंकि मेडिकल में हमारे पास जितनी भी आजकल टेस्ट वगैरह होते हैं, सर्जरी वगैरह होते हैं, लेजर थेरापी वगैरह हमारे पास होते हैं, ठीक है, या एक्स रे होता है कि MRI CT स्कैन ECG ये हमारे पास क्या होते हैं एंजियोग्राफी, तो ये सब चीज हमारे पास क्या होते हैं कंप्यूटर होते हैं, और वही कंप्यूटर को किसने डेवलप किया ह्यूमन ने डेवलप किया। तो इधर हमने मेंशन किया थिंकिंग किसका फास्ट है ह्यूमन का फास्ट है, लेकिन कंप्यूटर का तो थिंकिंग नहीं है, आपने वही अपना थिंकिंग कंप्यूटर को दे रहे। तो ये आज का टॉपिक है थिंकिंग।